नमस्कार, एक और प्रॉब्लम है हमारे सामने इंटीग्रेशन से। ऐसा प्रॉब्लम हमने किया था सिमिलर, ई पावर माइनस टू एक्स है, 9 भी है, 16 तो 4 स्क्वायर दिख रहा है। तो ये सब देखते हुए हम इसे क्या ई पावर माइनस एक्स तो एज इट इज रहेगा, इसे लिख दिया 4 स्क्वायर और इसे 3 ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब एक सब्स्टिट्यूशन हम ले सकते हैं, 3 ई पावर माइनस एक्स को टी मान लो, यहां से 3 तो एज इट इज रहेगा, ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस 1, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी और ई पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 3 डी टी। तो न्यूमरेटर पूरा माइनस 1 बाय 3 डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे 4 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, बहुत आसान है ये, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या होता है 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। माइनस 1 बाय 3 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस अ कॉन्स्टेंट सी। अब टी को रिप्लेस कर देते हैं, टी क्या था 3 ई पावर माइनस एक्स, बस खत्म हो गया प्रॉब्लम, आसान प्रॉब्लम था, एक सब्स्टिट्यूशन करो उसके बाद दिख जाएगा क्या करना है आपको, ठीक है। ऐसे और क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे इंटीग्रेशन 2023 नाम के प्लेलिस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।